वेलकम दोस्तों। दोस्तों अगर आप लोग भी अप्लाई करना चाहते हैं अमेज़ॉन पे का क्रेडिट कार्ड तो इस वीडियो में बने रहिए। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप अमेज़ॉन पे का ऐसे बैंक का क्रेडिट कार्ड कैसे ले सकते हैं। तो इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को लाइव प्रोसेस करके दिखाएंगे दोस्तों। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस करिए। तो दोस्तों ये क्रेडिट कार्ड हम लाइव अप्लाई करके आप लोगों को दिखाने वाले हैं। तो चलिए हम अप्लाई करके देखते हैं कि ये कार्ड हमें मिलता है कि नहीं मिलता, हम इस कार्ड के लिए एलिजिबल हैं या फिर नहीं है। अगर हम एलिजिबल होते हैं तो वीडियो के केवाईसी में क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन मांगे जाते हैं, तो चलिए पूरा फुल प्रोसेस इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने के लिए आप लोग सिंपली अमेज़ॉन पे पर क्लिक करेंगे। आप लोग जैसे ही अमेज़ॉन पे पर क्लिक करेंगे वैसे ही आपका जो पेमेंट का मेन पेज है वो ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोगों के अकाउंट में अगर आप क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन शो कर रहा है, अगर आप लोगों के पास अप्लाई करने का ऑप्शन आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो आप लोग सिंपली इसके जो सर्च बॉक्स में है क्रेडिट कार्ड सर्च करेंगे, अमेज़ॉन पे क्रेडिट कार्ड यहाँ पे आप लोग सर्च कर लेंगे अमेज़ॉन पे क्रेडिट कार्ड। तो ये देख सकते दोस्तों सबसे ऊपर ही आ गया है अमेज़ॉन पे का जो क्रेडिट कार्ड है ICICI बैंक का, वो सबसे ऊपर ही ऑप्शन मिल जाएगा। आप लोग सिंपली इस पर क्लिक करेंगे। तो दोस्तों जैसे ही आप लोग क्लिक करके इस पेज पे आएंगे यहाँ पे आप लोगों को कुछ बेनिफिट वगैरह बताए गए हैं। अगर आप इसको फर्स्ट टाइम अप्लाई करते हैं और ये अप्रूव हो जाता है तो आपको 300 रुपये तक कैशबैक मिलेगा दोस्तों, जो कि आपके अमेज़ॉन पे बैलेंस में ये इंस्टेंटली ऐड कर दिया जाएगा जब भी आपका कार्ड अप्रूव होगा। उसके बाद आपकी जो KYC है दोस्तों, इंस्टेंटली वीडियो KYC आप लोग कर सकते हैं। अब आपको अपॉइंटमेंट बुक करने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग जो इसकी KYC है उस इंस्टेंटली कर सकते हैं और ये लाइफ टाइम फ्री रहने वाला है दोस्तों। आपसे कोई ज्वाइनिंग फीस या एनुअल चार्जेस कुछ भी नहीं लिए जाएंगे। जो अमेज़ॉन पे ICICI बैंक का जो क्रेडिट कार्ड है ये बिल्कुल फ्री रहने वाला है दोस्तों, आपसे कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। उसके बाद आपको लगभग हर ट्रांजेक्शन पे दोस्तों कुछ ना कुछ रिवॉर्ड पॉइंट इस पर मिलेंगे जो कि अमेज़ॉन पे ICICI बैंक के क्रेडिट कार्ड पर। तो यहाँ पर दोस्तों इसके कुछ और भी बेनिफिट बताए गए हैं। यहाँ पर अगर आप लोग इसको ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह के लिए यूज करेंगे तो आपको 3% का कैश मिलेगा, और अगर आप वही बिल पेमेंट के लिए ट्रैवल के लिए इसको यूज करेंगे क्रेडिट कार्ड को तो 2% का कैशबैक मिलेगा। वही अगर आप लोग इसको अमेज़ॉन पे पर यूज करते हैं किसी ट्रांजेक्शन के लिए तो उस पर भी 2% का कैशबैक मिलेगा, और अदर ऑल पेमेंट पे कहीं यूज करते हैं, अगर कहीं और इसको यूज करते हैं तो उस पर आपको 1% का रिवॉर्ड पॉइंट दिए जाएंगे इस क्रेडिट कार्ड पर आप लोगों को। और इसके एक रिवॉर्ड पॉइंट की कीमत दोस्तों 1 रुपये होती है। वहाँ पे इसके डेमो भी दिए गए नीचे, आप लोग देख सकते हैं। जैसे आप लोग 5000 यूज करते हैं तो आपको 250 रिवॉर्ड पॉइंट दिए जाएंगे, वही अगर आप लोग 40000 यूज कर लेते हैं तो आपको 1200 रिवॉर्ड पॉइंट दिए जाएंगे, अगर आप लोग 50000 यूज कर लेते हैं तो आपको 1500 रिवॉर्ड पॉइंट दिए जाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों इसके रिवॉर्ड पॉइंट वगैरह के बेनिफिट वगैरह के बारे में काफ़ी बताया गया, और ये काफ़ी सिक्योर है। आप लोग इसकी जो पेमेंट है वो बिल्कुल सेफ होने वाली है और ये 100% सिक्योर है। वेरीफाइड वीज़ा दोस्तों, ये वीज़ा का क्रेडिट कार्ड है। हम आपको ये क्रेडिट कार्ड लाइव अप्लाई करके दिखाने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए हम इसको अप्लाई करके दिखाते हैं और आपको दिखाते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन इसमें हमसे मांगता है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं दोस्तों अप्लाई नाउ का ऑप्शन आ रहा है ये, तो सिंपली हम इस पर अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप लोग अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे वैसे ही ये आपको अमेज़ॉन और ICICI के बैंक से रीडायरेक्ट कर देगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने के लिए जो आपके आधार कार्ड से आपका मोबाइल नंबर लिंक होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे भी बताया गया दोस्तों अप टू 5% तक रिवॉर्ड पॉइंट आपको मिलेंगे, लाइफ टाइम फ्री रहेगा, नो एनुअल चार्जेस वगैरह आपसे कुछ भी नहीं लिया जाएगा इस क्रेडिट कार्ड का। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर आप लोग अपना आधार नंबर एंटर कर देंगे, उसके बाद पैन कार्ड नंबर एंटर कर देंगे, उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग टर्म एंड कंडीशन का अपने आप टिक रहेगा, उसके बाद आप लोग सिंपली कंटिन्यू पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो कंटिन्यू पे क्लिक करा उसके बाद आप लोग देख सकते हैं जो हमारे आधार कार्ड से जो मोबाइल नंबर लिंक है उस पर एक OTP सेंड करा गया है। तो चलिए हम OTP का वेट करते हैं, और OTP हमारे को रिसीव हो गया। OTP हम यहाँ पर एंटर करेंगे। सिंपली आप लोग OTP एंटर करने के बाद कन्फर्म एंड प्रोसीड पर आप लोग क्लिक करेंगे, वेरीफाइड हो जाएगा। आपकी जो आधार डिटेल है वो सभी वेरीफाइड हो जाएंगे और यहाँ से आपकी जो भी आधार कार्ड से इंफॉर्मेशन है ये सभी ले लेगा। जैसे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मेरा नाम ले लिया, डेट ऑफ बर्थ ले लिया, उसके बाद आपको मेल फीमेल खुद से सेलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे मेल भी सेलेक्ट है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे आपकी जो भी इंफॉर्मेशन है वो आप लोग फिल करेंगे, जैसे आपका नेम हो जाएगा, उसके बाद ईमेल आईडी, उसके बाद नीचे यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं दोस्तों जो कि आपको अपना मदर नेम फिल करना पड़ेगा, उसके बाद एक
रेफरेंस ईमेल, रेफरेंस नेम डाल दीजिए और उनका कॉन्टैक्ट नंबर डाल दीजिए। ये सभी डिटेल डालने के बाद आप लोग सिंपली कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। तो चलिए हम कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं और वेट करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग देख सकते हैं हम लोग आ गए इसके नेक्स्ट ऑप्शन पे। तो यहाँ पे हमसे क्या क्या मांगा जा रहा है, जो कि हमारे जो हमारा परमानेंट एड्रेस है वो हमारे आधार कार्ड से उठा लिया गया, ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद आप सैलरीड है या सेल्फ एम्प्लॉयड है वो चूज करना पड़ेगा। उसके बाद अगर आपका परमानेंट एड्रेस और करेंट एड्रेस सेम है तो आप यहाँ इस पर टिक रहने दीजिए। उसके बाद आप सेल्फ एम्प्लॉयड है या सैलरी है जो भी है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ से सेलेक्ट करेंगे कि आप लोग काम क्या करते हैं। अगर आप जो भी काम करते हैं आप लोग वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आप लोग कंपनी नाम डालेंगे, कंपनी का एड्रेस डालेंगे, कंपनी का पूरा एड्रेस फिल करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे आप लोग सभी इंफॉर्मेशन फिल कर लेंगे दोस्तों। जैसे आप लोग सेल्फ एम्प्लॉयड है, सैलरीड है, जो भी है अपनी कंपनी का नाम एंटर कर देंगे। उसके बाद कंपनी ईमेल आईडी एंटर कर देंगे दोस्तों। और उसके बाद आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं इसकी जो टर्म एंड कंडीशन का ऑप्शन आ रहा है ये नीचे, इसको आप लोग टिक करेंगे। तो चलिए हम सभी ये कंप्लीट कर लेते हैं और इसको कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। आप लोग वेट करेंगे, देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारा एड्रेस है वो दिखाया जा रहा है। तो चलिए हम इसको रेजिडेंट एड्रेस, यहाँ पे आप डिलीवरी एड्रेस चूज करेंगे कि आप जो कि अपने कंपनी एड्रेस पे लेना चाहते हैं या जो आप रेजिडेंट है आपका उस पे लेना चाहते हैं। तो चलिए हम अपने होम पे लेना चाहते हैं तो हम यहाँ पे होम पे सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद यहाँ कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। थोड़ी देर वेट करेंगे दोस्तों। तो ये देख सकते हैं आप लोग जो हमारी एप्लीकेशन है ये सबमिट हो गई और यह हमें यहाँ पे बताया जा रहा है कि हम इस कार्ड के लिए एलिजिबल नहीं है। तो आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स, मेरी एप्लीकेशन अभी अप्रूव नहीं हुई। क्योंकि अप्रूव इसलिए नहीं हुई दोस्तों, मैंने इसमें पहले एक क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर रखा था और उसकी KYC पेंडिंग थी। जो मैंने ये अपना जो मोबाइल नंबर है वो डीलिंक करवाया था, तो अभी मैंने 2-4 दिन पहले डीलिंक करवाया था दोस्तों, इस वजह से मेरा एक क्रेडिट कार्ड अभी अप्रूव नहीं हुआ क्योंकि मैं एलिजिबल नहीं हूँ। अभी 2 दिन पहले एप्लीकेशन कैंसिल करवाई मैंने। तो दोस्तों इस वीडियो में ये इन्फॉर्मेशन थी, मैंने लाइव अप्लाई करके आप लोगों को दिखाया। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।